संडे को पति अगर देर तक सोया रहे तो पत्नी कहती है, अब उठ भी जाओ, तुम्हारे जैसी कोई है क्या? छुट्टी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि सोते ही रहोगे। संडे को पति अगर जल्दी उठ जाए तो पत्नी कहती है, पिछले जन्म में मुर्गे थे क्या? एक दिन तो चैन से सोने को मिलता है, उसमें भी ठीक 5:30 बजे उठकर कुकड़ू कुक करने लगते हो। इतना जल्दी उठकर पहाड़ तोड़ना है क्या? संडे को पति अगर घर पे ही रहे तो पत्नी कहती है, कुछ काम भी कर लिया करो, केवल नहाने धोने में ही समय व्यर्थ कर रहे हो। संडे को अगर पति घर से देर तक बाहर रहे तो पत्नी कहती है, कहाँ थे तुम आज पूरा दिन? आज संडे है, कभी मुंह से भगवान का नाम भी लिया करो। संडे को पति अगर पूजा करे तो पत्नी कहती है, ये घंटी बजाते रहने से कुछ नहीं होने वाला, अगर ऐसा होता दुनिया के टाटा या बिरला का नाम नहीं होता बल्कि किसी पुजारी का नाम होता। अगर टाटा या बिरला जैसा बनने के लिए पति दिन रात मेहनत करे तो पत्नी कहती है, हर वक्त काम काम, तुम्हें अपने ऑफिस ही साथ फेरे ले लेना चाहिए। हम क्या यहाँ बंधुआ मजदूर हैं जो सारा दिन काम करे और शाम को तुम्हारा इंतजार करे? पति अगर पत्नी को घुमाने ले जाए तो पत्नी कहती है, हमारे बीच वाले जीजा जी तो दीदी को हर महीने घुमाने ले जाते हैं, वो भी स्विट्जरलैंड और दार्जिलिंग जैसे जगहों पर, तुम्हारी तरह हरिद्वार नहाने नहीं जाते। पति अगर ऐसी तैसी कराकर नैनीताल, मसूरी, गोवा, माउंट आबू, ऊटी जैसी जगहों पर घूमने ले जाए तो पत्नी कहती है, अपना घर ही सबसे अच्छा है, बेकार ही पैसे लुटाते फिरते हो, इधर उधर बंजारों की तरह घूमते फिरते रहते हो, क्या रखा है घूमने फिरने में? इतने पैसे से अगर घर पे ही रहे तो पूरे 2 साल के लिए कपड़े खरीद सकते थे। घर वाली की किचकिच ना हो तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। विश्वास ना हो तो नरेंद्र मोदी जी को ही देख लो। तो आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।